बनाने जा रही पत्नी अचानक रात में चलती ट्रेन से गायब हो गई। आखिर नई नवेली उस दुल्हन के साथ ट्रेन में ऐसा क्या हुआ था और इतने लोगों के सामने ट्रेन से कहां गायब हो गई, आइए जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, शादी करने के बाद हर कोई खुशी खुशी अपने हनीमून का प्लानिंग करता है और हनीमून मनाने के लिए जाता है, लेकिन एक ऐसा कपल जो कि हनीमून पर जाने के दौरान रास्ते में ही पत्नी के साथ ऐसा हो गया जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि शादी के 3-4 महीने बाद वो लोग हनीमून मनाने की प्लानिंग किए थे और फिर हनीमून ट्रिप पर निकल लिए और वह दोनों कालका से शिमला के लिए ट्रेन पकड़े थे और खुशी खुशी उस ट्रेन में अपने नई शादी का एंजॉय करते हुए एक अलग ही दुनिया में वो कपल जाने के लिए उस ट्रेन से निकल लिए और अपने सफर को एंजॉय करते हुए जाने लगे, लेकिन रात में ऐसा हुआ जिससे आसपास मौजूद लोगों को भी थोड़ा सा भी भनक नहीं लगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और ट्रेन से जुड़ी ऐसी और जानकारी जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, जैसे रात हुई दोनों प्यार भरी बातें करते हुए उस ट्रेन में अपने बर्थ पर जाकर सो गए। रात 2 बजे करीब जैसे ट्रेन एक रेलवे स्टेशन पर रुकी, पति का नींद खुला तो देखा कि पत्नी अपने सीट पर नहीं है, अपने सीट से गायब है। फिर पति यह सब देखकर थोड़ा डर गया, लेकिन अपने दिल को थोड़ा मनाया, शायद वॉशरूम में गई होगी। फिर अपने सीट पर ही लेटे लेटे थोड़े देर इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई। अब उस पति का दिल तेजी से धड़कने लगा और आसपास मौजूद लोग भी सब उतनी रात में सो रहे थे। फिर पति अपने सीट से उठे और वॉशरूम में जाकर देखा तो उस कोच के आसपास वाले सभी वॉशरूम खुला था, लेकिन पत्नी कहीं नहीं दिखी। अब पति काफी परेशान हुआ, कहे तो किससे कहे, आसपास सभी लोग उस टाइम गहरे नींद में थे, किसी को कुछ मालूम ही नहीं चला कि उतनी रात में पत्नी कहां गायब हो गई। अब पति काफी निराश हो गया और हनीमून ट्रिप को कैंसिल किया और ट्रेन के अगले स्टेशन पर जाकर उतर गया। फिर लड़की के परिवार वालों को फोन किया और सारी बात बताई। फिर GRPF थाने पहुंचे और वहां पर पूरी घटना पुलिस को बताई। फिर पुलिस ने उस टाइम के दौरान ट्रेन जिस रेलवे स्टेशन पर रुकी थी वहां के CCTV फुटेज को खंगाला। फिर CCTV फुटेज में जो मिला उसे देखकर सभी हैरान रह गए, बल्कि उस पति का भी दिल टूट गया। फुटेज वीडियो में दिखा कि वह नई नवेली दुल्हन एक दूसरे लड़के के साथ उतरी और बिना जबरदस्ती उसके साथ जा रही थी और पति ने भी उस लड़के को पहचान लिया क्योंकि वह लड़का उसका कजन भाई था और यह मामला परिवार से जुड़ा था और परिवार में बेइज्जती ना हो इसलिए पति ने पुलिस कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और उन दोनों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करवाया। क्या नई नवेली उस दुल्हन ने ऐसा कदम उठाकर अच्छा काम किया था, कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना, अपना राय जरूर देना ताकि आपका कमेंट पढ़कर कोई और ऐसा कुछ करने से पहले जरूर सोचे।